बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अब न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मामू कांजन से जुबैर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान मामू कांजन के ज़ेर एहतमाम तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी सरपरस्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 72वीं सालगिरह के मिनहाज ऑफिस और यूसी सो में डेरा असद जहांगीर मर्दाना पर अलग अलग तकरीबात मुनक्किद हुई, जिनमें ज़िले नाज़िम TMQ प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ और ज़िले नाज़िम वेलफेयर मोहम्मद रिजवान ने बतौर खास शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने अहदेदारों से खिताब करते कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक हमजहद शख्सियत हैं जो दुनिया भर में दीन इस्लाम की आबियारी और उसके असल तशख्स को उजागर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने की तागुती ताकतों के अजाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी पूरी दुनिया में वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में लिखी और खिताबात से जिंदगी के हर शोबा पर सेर रस रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मेरे कायद जैसी शख्सियत सदियों बाद पैदा होती हैं। तकरीबात में जिले नायब सदर राना अब्दुल मजीद कादरी, मुकामी तंजीम सदर शेब कादरी, नाजिम इम्तियाज भट्टी, अलामा अवैस दरसाना, मौजम वारसी जुबैर शेख सईद फर, हाफिज अरशद बलोच, पीर हसन शाह, हाफिज एजाज चिश्ती, असद जागीर मर्दाना व दिगर्श ने शिरकत की। दरिया असना तकरीब में सैलाब जदगान के लिए फंड इकट्ठा करने में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अहदेदारान को मिनहाज वेलफेयर की जानिब से शेयर्स दी गयी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अपनी।